हाँ जी बच्चों, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम, क्या क्या डेटा अवेलेबल है। एट क्वेश्चन कर रहे हैं इस शीट का। शोन बिलो इज अ सर्कल विद सेंटर ओ। वीपी कितना है बेटा? 34 सेंटीमीटर। पीआर कितना है? 36 सेंटीमीटर। आरएस कितना है? 17 सेंटीमीटर। यू डब्ल्यू क्यू एस ढूंढो। यू डब्ल्यू क्यू एंड एस आर द पॉइंट्स ऑफ टेंजेंसी। पॉइंट्स ऑफ टेंजेंसी का क्या मतलब है? जहां पे टेंजेंट टच करता हुआ जा रहा है उस सर्कल को। नॉर्मल सी बात है ये तो। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो अगर मैं शेडेड रीजन को ध्यान से देखूं, दिख रहा है मुझे, इसका मुझे एरिया निकालना है। अगर किसी तरह से ये शेडेड रीजन का मुझे रेडियस पता लग जाए, क्योंकि ये सेंटर से लाइन पास कर रही है तो ये आधा सर्कल ही है लॉजिकली देखा जाए, तो आधे सर्कल का एरिया निकालना है तो रेडियस भी तो पता होना चाहिए भैया। तो रेडियस कैसे निकालें? बड़ा सिंपल है। सबसे पहले मुझे ये बताना है आप सबने, ये जो आर एस है, आर एस ये आर क्यू के इक्वल क्यों है? टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। क्या बोला मैंने? टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। तो ये 17 है, तो ये भी कितना हुआ? 17। तो बचा हुआ देखो, पूरा पीआर कितना है बताना? 36। कुछ उसका कुछ हिस्सा क्यूआर है, उस 36 का कुछ हिस्सा क्यूआर 17 है। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज पी क्यू? बताओ, माइनस कर दो यार, 36 में से 17 गए, 19 रह गया। पी क्यू कितना रह गया बेटा? 19। अब जल्दी से बताना है आप सबने, पी क्यू पी डब्ल्यू के इक्वल क्यों है? पी क्यू 19 है तो पी डब्ल्यू भी 19 क्यों है? फिजिक्स वाला सोच रहे हो ना, यही दिमाग में आ रहा होगा। कोई बात नहीं, बढ़िया। तो पी क्यू 19 है तो पी डब्ल्यू भी 19 क्यों है? रीजन क्या है? टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। अब मुझे ये बताओ बेटा, वीपी 34 है और वीपी का कुछ पार्ट पी डब्ल्यू 19 है। 34 माइनस 19 तो वी डब्ल्यू कितना आया बेटा? 15। अब वी डब्ल्यू किसके इक्वल होगा? वी यू। वी डब्ल्यू किसके इक्वल होगा? वी यू के। क्यों? वही टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। अब शायद कुछ बच्चों को याद है या नहीं है जिन्होंने ज्योमेट्री की हुई है, मैंने एक सिचुएशन बताई थी बहुत टाइम पहले। ऐसे एक राइट एंगल है और ऐसे इस राइट एंगल के अंदर एक सर्कल फंसा हुआ है। ये पता नहीं कितने बच्चों को ये बात याद है। ये सेंटर है, ये 90 का एंगल, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये दो, ये 90 का एंगल क्यों? टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये 90 भी वही लॉजिक से, और ये 90 दिया हुआ है, तीन एंगल 90, तो ये रेक्टेंगल हुई क्योंकि इसके दो रेडियस इक्वल है। मतलब इस रेक्टेंगल की दो साथ वाली साइड इक्वल है, तो पक्का वो क्या होती है? स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, बड़े ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं वी ओ डब्ल्यू ज्वाइन कर दूं, किसी को कोई दिक्कत परेशानी, और मैं ओ यू ज्वाइन कर दूं, क्या ये वही सिचुएशन नहीं है? ये 90 के एंगल के अंदर एक सर्कल फंसा हुआ है ये पूरा। तो वी यू ओ डब्ल्यू, क्या बोला? वी यू ओ डब्ल्यू इज ए स्क्वायर। फिर से बता देता हूं जिनको समझ नहीं आया स्क्वायर क्यों है, देखते जाओ। सर एंगल ओ डब्ल्यू वी, क्या बोला? एंगल ओ डब्ल्यू वी 90 डिग्री किस रीजन की वजह से है? टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। और ये वाला एंगल ओ यू वी भी 90 डिग्री क्यों है? टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। और एंगल डब्ल्यू वी यू 90 डिग्री क्यों है? दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, मैंने अपनी तरफ से नहीं किया।
एक क्वाड्रिलेटरल के तीन एंगल 90 होते ही वो क्या कहलाती है? रेक्टेंगल। अभी रेक्टेंगल प्रूव हुई, क्योंकि इस रेक्टेंगल का ओडब्ल्यू भी रेडियस है और ओयू भी रेडियस है, तो रेक्टेंगल की दो लगातार साइड इक्वल है, तो वो दो लगातार साइड इक्वल होते ही स्क्वायर बन जाएगी, और स्क्वायर की अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो कौन सी साइड 15 हो जाएगी? जल्दी जल्दी बता देना आप। रेडियस ओयू 15 और ओडब्ल्यू भी 15। कहने का मतलब ये जो शेडेड एरिया है, मैं आप डिलीट कर रहा हूं पूरा क्वेश्चन ताकि डायग्राम आपको दिखा सकूं। सारा समझ आ गया अब तक? कहने का मतलब ये जो शेडेड एरिया है, ये रेड वाला कर देता हूं मैं, इसका रेडियस पता लग चुका है मुझे। क्या पता लग चुका है? जो मैंने कैलकुलेशंस दिखाई है 15, जो मैंने कैलकुलेशन दिखाई है उससे मुझे रेडियस क्या पता लग चुका है? 15। तो एरिया क्या होता है? पाई रेडियस का स्क्वायर, क्योंकि ये आधा सर्कल है तो डिवाइडेड बाय 2 भी करना पड़ेगा, तो कितना आया? 112.5 पाई। अगर देख लेना सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर है, ऑप्शन में हमने यूनिट्स नहीं रखी है, तो आप समझ जाना यही आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर है। तो आगे अच्छे से समझ बोलो, तो इसमें मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी बार बार? एक तो मैंने यूज करी कि सर टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, ये प्रॉपर्टी बार बार यूज करी है, और एक मैंने एक सिचुएशन यूज करी है कि सर जब भी एक राइट एंगल होगा, कैसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, उसके अंदर सर एक सर्कल ऐसे फंसा हुआ होगा दो राइट एंगल्स को, दो साइड राइट एंगल की।